नोट पे सर्किट पे एग्जांपल नंबर 6 से फाइंड द पावर एब्जॉर्ब्ड बाय ईच सर्किट एलिमेंट ऑफ फिगर 6.3 इफ द कंट्रोल ऑफ द डिपेंडेंट सोर्स इज ऑप्शन ए 0.8 IX ऑप्शन बी 0.8 IY। ये हमारा कंट्रोल सोर्स है। बाकी सर्किटरी देखिए इसमें IY जा रही है, इसमें IX जा रही है। देखिए ये क्या कंडक्टेंस दे रखे हैं, इन्हें सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना। तो ये रेजिस्टेंस इसका जो है 10 ओम का क्या हो जाएगा, तो 1/10 mS, तो 10^-, ऊपर जाएगा +3/10, तो ये हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। इसी प्रकार 40 के लिए R जो हो जाएगा तो 1000/40 2500। तो इसको सर्किट डेटा कर लेते हैं। तो देखिए इसका सर्किट इस तरीके से होगा, ये 5 एम्पियर है और ये 10 mS को क्या कर देंगे 100 ओम कर देंगे। ये देखिए यहाँ से जा रही है, तो ये 25 ओम हो जाएगा और इसमें देखिए ये डिपेंडेंट सोर्स, इसमें करंट जा रही है IX और इसमें जा रही है IY। अब अभी हम क्या लेंगे, पहला केस लेंगे जब डिपेंडेंट सोर्स क्या है हमारा 0.8 IX है। केस फर्स्ट व्हेन डिपेंडेंट सोर्स इज 0.8 IX। तो इसके लिए सर्किट ड्रा कर लेते हैं। ये 0.8 IX, ये IX है, ये 25 ओम है और ये 100 और ये 5 एम्पियर। तो यहाँ इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लेते हैं V, इसमें जा रही है ये IY। तो KCL लगाएंगे अपर नोड पे, इसे 1 मान लेते हैं। KCL एट अपर नोड 1, तो जो 1 पे KCL होगा, तो देखिए ये माइनस का 5 प्लस का वी अपॉन 100 प्लस का ये IX ले लेते हैं, माइनस का 0.IX बराबर 0, क्योंकि ये ऊपर जा रही है, हमने जो भी माना ये लीविंग माना। तो माइनस का 5 प्लस वी अपॉन 100, तो देखिए यहाँ कितना जाएगा 0.2 IX बराबर 0। तो IX बराबर V अपॉन ओम्स लॉ से IX बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन 25, क्योंकि वोल्टेज सभी के क्रॉस क्या होगा सेम होगा। तो याद रख देते हैं माइनस का 5 प्लस V अपॉन 100 प्लस 0.2 और V अपॉन 25, इसे हटाएंगे तो एक यहाँ तो 125 बराबर 0। तो V अपॉन 100 प्लस V अपॉन 125 बराबर 5। तो इसका LCM आएगा 500, तो ये जाएगा V, ये 5 प्लस 4 बराबर 5, तो 9V अपॉन 500 बराबर 5। तो V बराबर 5×500/9, तो वोल्टेज आ गया V बराबर 2500/9। तो IX आ जाएगी, तो IX बराबर होगा V अपॉन 25, तो ये 2500/9×25, तो 100/9। देखिए V आ गया 2500/9 और IX आ गया 100/9।
अब हमें पावर निकालनी है। तो देखिए ये करंट सोर्स से आ रहा है, ये है 5 एम्पियर का, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है बी। तो ये पी फाइव जो होगा माइनस 5 × V माइनस 5 × V 2500/9 पी फाइव। तो ऐसे कैलकुलेटर की मदद से निकाल लेंगे वैल्यू, तो ये आएगा निकल के माइनस 1388.88। तो पी फाइव बराबर माइनस ये 1.39 किलोवाट, पी 100 तो वी स्क्वायर अपॉन आर, आर बराबर 100 तो वी की वैल्यू कितनी है 2500 × 9 स्क्वायर इंटू 1 × 100 तो 2500 × 2500 अपॉन 81 × 100 इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें आइए पी 10 बराबर 1.60 वाट 771.60 वाट। इसलिए पी 25 में तो वी स्क्वायर हमारे पास कितना है 2500/9 का स्क्वायर इंटू 1/25 तो 2500 × 2500/81 × 25 सो तो पी 25 आई 3086.42 वाट। डिपेंडेंट में आएगी पी पॉइंट आई एक्स के लिए तो 0.8 IX × V ये माइनस का होगा तो माइनस का 0.8 × IX 100/9 × 2500/9 तो ये आ जाएगा पी पॉइंट एट आई एक्स बराबर 2469.13 वाट। तो ये जब हमने एक केस लिया था फर्स्ट वाला, अब हम लेते हैं सेकेंड केस। तो KCL लगाते नोड वन पे, KCL एट नोड वन, तो सेम वही है माइनस का 5 प्लस का वी अपॉन 100 प्लस का आई एक्स माइनस का 0.8 IY बराबर 0। तो ये 100 कॉमन लेंगे तो ये माइनस का 500 वी प्लस 100 आई एक्स माइनस का 0.8 × 100 IY बराबर 0। तो माइनस का 500 प्लस बी प्लस 100 आई एक्स माइनस का 80 IY बराबर 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्योंकि यहाँ कितने अननोन, 1 2 3, तो यहाँ केसीएल लगाएंगे ये इस वाले नोड पे, इसे नोड मान लेते हैं, ये सेम ही तो नोड है, इसको नोड मान लेते हैं वी। KCL at node V, V पे देखिए दो करंट जा रहे हैं, तो ये I Y प्लस का 0.8 IY बराबर I X, तो 1.8 IY बराबर I X तो आई वाई बराबर 1 IX अपॉन 1.8
8, तो ये 10 अपॉन 18 आई एक्स, तो आई वाई बराबर होगी इन टर्म्स ऑफ 5 बाई 9 आई एक्स। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे आई वाई की, वी इन टर्म्स ऑफ रख देंगे आई एक्स, तो माइनस का 500 प्लस का बी बराबर, देखिए इसे आई एक्स निकाल लेंगे ओम्स लॉ से, तो आई एक्स बराबर हो जाएगी हमारी करंट वी अपॉन 25, तो वी बराबर आ जाएगा 25 आई एक्स। तो यहाँ पर रख देंगे तो 25 आई एक्स प्लस का 100 आई एक्स माइनस का 80 इंटू 5/9 आई एक्स बराबर 0। तो 25 आई एक्स प्लस 100 आई एक्स माइनस का 400/9 आई एक्स बराबर 500, ये हो जाएगा 125 आई एक्स माइनस का 400/9 आई एक्स बराबर 500। 9 कॉमन लेंगे तो 125 इंटू 9 माइनस का 400 अपॉन 9 इंटू आई एक्स बराबर 500, तो ये आएगा 7 × 5 अपॉन 9 आई एक्स बराबर 500। तो आई एक्स बराबर 500 इंटू 9 अपॉन 7 × 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 100 5 × 20 और 1 = 45, तो आई एक्स आएगी हमारी, तो आई एक्स बराबर 900 अपॉन 145, तो यह जाएगा 6.206, जैसे अप्रोक्सीमेट 6.21 एम्पियर ले लेंगे। तो आई वाई निकल के आएगी हमारी 5/9 इंटू 6.2, तो 6.21 तो ये आ जाएगी 3.45 एम्पियर आई वाई। अब हमें वी निकालना है, तो वी यहाँ से निकल आएगा, तो वी बराबर 25 इंटू 6.21, तो ये आएगी वैल्यू 155.25 वोल्ट वी बराबर। तो हमारे पास वी आ गई और आई वाई आ गई और आई एक्स आई, तो हम पावर निकाल लेंगे। तो पहले निकालेंगे पी फाइव में, तो ये आएगी माइनस का 5 इंटू वोल्ट 155.25 बराबर, तो ये वैल्यू आएगी 776 निगेटिव 0.25 वाट। इसी प्रकार 100 पे निकालेंगे तो 155.25 का स्क्वायर अपॉन 100, तो ये वैल्यू आएगी 241.026 वाट कैलकुलेटर की मदद से। फिर P25 निकालेंगे तो ये 155.25 का स्क्वायर अपॉन 25, तो ये वैल्यू आएगी 964.1025 बराबर 964.103 वाट। अब डिपेंडेंट सोर्स में आ जाएगी, जो 0.8 माइनस का बाई इंटू वी, तो 0.8 इंटू 3.45 इंटू 155.25, तो इसकी वैल्यू आएगी बराबर माइनस 428.49 वाट। P.8 आई वाई के कारण आएगी माइनस 428.49 वाट। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।